तिवारीपुर थाना क्षेत्र के माधोपुर स्थित शिव मंदिर के पास शनिवार की शाम को मनबड़ों ने एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी तथा उसका सहपाठी घायल हो गया, जिसे मेडिकल कॉलेज में इलाज के लिए भेजा गया है। गोली चलने की सूचना पर एसएसपी शलभ माथुर, एसपी नॉर्थ रोहित सिंह सहवाड़, एसपी सिटी विनय कुमार सिंह, एसपी साउथ ज्ञान प्रकाश चतुर्वेदी सहित सीओ और कई थानों की फोर्स मौके पर पहुंच गई और अपनी तफ्तीश में जुट गई। मिली जानकारी के अनुसार राजू यादव पुत्र सुरेंद्र यादव निवासी माधवपुर का किसी बात को लेकर वहीं के निवासी नागा निषाद उर्फ सतीश से विवाद हो गया था। शनिवार को माधवपुर स्थित शिव मंदिर के पास दोनों आपस में बातचीत कर रहे थे, तभी नागा निषाद ने तमंचे से उसे गोली मार दी, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई तथा उसके साथ में खड़े अवधेश यादव घायल हो गया, जिसे तत्काल मेडिकल कॉलेज इलाज के लिए पहुँचाया गया। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसएसपी शलभ माथुर ने बताया। तक जानकारी प्राप्त हुई है राजू यादव नाम के लड़के की हत्या हुई है और इसका आज जो है बताने सतीश निषाद और नागा से झगड़ा हुआ था और इस झगड़े के अंदर जो है ये बता रहे हैं सतीश और एक उसका साथी है झुनझुन यादव, ये दोनों लोग आए थे और गोली चलाई जिसके कारण इसकी मृत्यु हो गई। इसमें एक जना और इंजर्ड हुआ है जिसको मेडिकल कॉलेज लेके गए हैं और अभी यहाँ पर फोर्स तैनात कर दी गई है और जो अभियुक्त है शीघ्र उनकी गिरफ्तारी अति शीघ्र इसके अंदर गिरफ्तारी की जाएगी। क्या मामला लगता है ये अभी कह पाना बहुत वो होगा, आज ही का जो विवाद है कल शाम से लेकर अभी तक का बताया जा रहा है और अलग अलग इसके अंदर बात आ रही है, ये भी आ रही है कि भैंस चराने को लेकर भी विवाद हुआ था। इसमें जैसी भी चीज़ें निकल के आती हैं उससे और इनकी गिरफ्तारी यथाशीघ्र की जाए। सर आरोपी जो क्या पहले से भी वांछित है? अभी ऐसी अभी कह पाना वो नहीं है कि ये वांछित है या नहीं है और जैसा मैंने बताया ये अभी तक की जानकारी है और इसके अंदर जैसा ही कोई अपडेट होता है तो उसके अंदर आप लोग को बताया जाएगा।